हेलो फ्रेंड्स, जस्टिस इन पीस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। किसी के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी करने से वह संपत्ति का स्वामी नहीं बन सकता। पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शिव कुमार एंड अनदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के मामले में यह रिसेंटली निर्धारित किया गया है। SA GPA वसीयत ट्रांसफ़र के तरीके। विक्रेता क्रेता के पक्ष में एक बिक्री करार बनाता है, एक अग्रीमेंट बनाता है जो बिक्री, डिलीवरी और परिसंपत्ति पर कब्जे के लिए संबंधित राशि की पूर्ण भुगतान और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी तरह के दस्तावेज करने के लिए होता है, या बिक्री करार किया जाता है जिसमें संबंधित परिसंपत्ति को बेचने की सहमति व्यक्त की जाती है, जिसके साथ एक अलग से हलफनामा होता है एफिडेविट, जिसमें पूरी कीमत प्राप्त हो जाने और कब्जा दिलाने और बाद में जब भी ज़रूरत हो बिक्री करार की बात का जिक्र होता है। विक्रेता द्वारा क्रेता या उसके नॉमिनी के पक्ष में एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार किया जाता है जो उसकी ओर से सौदे का प्रबंधन करेगा और विक्रेता के संदर्भ के बिना परिसंपत्ति को बेच देगा, या विक्रेता क्रेता या उसके नॉमिनी के पक्ष में एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करता है और अटॉर्नी धारक को संपत्ति को ट्रांसफ़र करने या बेचने का अधिकार देता है और इस संपत्ति के प्रबंधन के लिए विशेष POA किया जाता है। एक वसीयत तैयार किया जाता है जिसके माध्यम से क्रेता बायर को संपत्ति का अधिकार दिया जाता है। यह उस स्थिति के लिए तैयार किया जाता है जब संपत्ति के ट्रांसफ़र से पहले विक्रेता सेलर की मौत हो जाए। अचल संपत्ति सिर्फ पंजीकृत करार से ही कानूनी और वैधानिक तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मतलब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई पीस ऑफ लैंड है, उसको सिर्फ रजिस्टर्ड अग्रीमेंट के द्वारा ही कानूनी और वैधानिक तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जनरल पावर अटॉर्नी एट्सेट्रा के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ट्रांसफ़र को वह करार पूरा हुआ ऐसे नहीं मानेगा, क्योंकि इससे न तो स्वामित्व ओनरशिप का पता चलता है और न ही किसी अचल संपत्ति के संदर्भ में किसी भी तरह के अधिकार का सृजन होता है। इन दस्तावेज़ों को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अधिनियम की धारा 53A के सीमित दायरे को छोड़कर स्वामित्व हस्तांतरण का करार नहीं माना जा सकता। इस तरह के लेन देन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और नगर निगम या राजस्व रिकॉर्ड में इसके आधार पर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। जो ऊपर बताया गया है वह न केवल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को लेकर की गई डीड्स ऑफ कन्वेयंस पर लागू होगा, बल्कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र पर भी लागू होगा। कोई लीज तभी वैध होगा अगर वह पंजीकृत होता है। अब समय आ गया है जब SA GPA वसीयत पर रोक लगाया जाए, जिससे GPA सेल्स कहा जाता है। इस फैसले में कुछ और बातें भी स्पष्ट की गई। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी राय पूर्व में हुए सही बिक्री करारों को प्रभावित करने का नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बेटे, बेटी, भाई, बहन या किसी भी रिश्तेदार को डीड ऑफ कन्वीनियंस के करने के लिए POA दे सकता है, कोई व्यक्ति किसी लैंड डेवलपर या बिल्डर के साथ किसी भूमि पर निर्माण कार्य को लेकर करार कर सकता है और इस सिलसिले में बिक्री करार को काम पूरा करने के लिए डेवलपर के पक्ष में POA कर सकता है। कई राज्य में इस तरह के डेवलपमेंट करार और POA का विनियमन कानून के द्वारा होता है और इसे तभी वैध माना जाता है जब इस पर स्टैम्प शुल्क चुकाया जाता है। SA GPA वसीयत के बारे में हमारी राय का असर सही लेन देन पर नहीं होगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको कोई शिकायत या सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।